नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL 10+2 भर्ती 2023 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताएंगे, आपको फोटो कौन सी लगानी है ये भी बताएंगे, नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको इसका सिलेबस भी दिखाएंगे। देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा, सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर मिल जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 का डिटेल्स सिलेबस जो है वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इसके आवेदन 9 मई से शुरू होंगे, 8 जून तक चलेंगे और जो इसका पेमेंट यानी कि इसका जो फीस पेमेंट है वो आप 10 जून को रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चालान जमा करना है तो उसका पेमेंट आप 12 जून तक कर सकते हैं। फॉर्म भरते हुए कोई भी करेक्शन रहता है यानी कोई भी गलत हो जाता है तो आप 14 से लेकर 15 जून तक उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम इसका अगस्त में होगा। बाकी अगर जानकारी बता दें तो इस समय जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस हिसाब से कुल जो 1600 पद पर भर्ती होनी है, जिसमें जो योग्यता है वो 10+2 जो है दी हुई है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2023 से जो है कैलकुलेट होगी। अलग अलग पोस्ट का जो है अलग अलग डिटेल्स आप जो है देख सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ ये लिंक और जानकारी आपको sarkaririzalt.com rozgarrizalt.com पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं अप्लाई पर। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अगर आपने इससे पहले SSC का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको सीधा यहाँ पर लॉग इन करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है अपना लॉगिन आईडी भूल गए हैं तो यहाँ से आप जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लॉक हो गया तो भी आप फॉरगेट पासवर्ड की मदद से जो है यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खो गई है तो आपको SSC ऑफिस में जाके उसको जो है आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CHSL का फॉर्म का यहाँ पे लिंक जो है आ गया है। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं फिर हम सीधा फॉर्म भरने पे जो है चलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे नीचे ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, वरना बाद में जो है लोगों को दिक्कत होती है तो इसकी जानकारी आपको पहले दे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बता दें आपको इसमें जो स्टार्टिंग है, अगर आपको अपने कोई भी ऐसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पुराना कोई और आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ भी बदलाव करना है तो पहले आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, उसको बदलाव कीजिए। अगर आपको पुराने में कुछ भी चेंजेस नहीं है तो आपको सीधा जो है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। बता दें जो भी जनरल OBC EWS कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के बाद यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, पेमेंट करना है, उसके बाद ही जो है प्रिंट करना है। लेकिन जो भी SC ST और महिला अभ्यर्थी सीधा अप्लाई करने के बाद जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी जनरल OBC EWS कैंडिडेट है पेमेंट करने के बाद अपना पेमेंट स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है SSC में सर्वर वगैरह डाउन होता है और जब आप पेमेंट करते हैं पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट निकालते हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स नहीं आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है और स्टेटस पर शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं अप्लाई पर, क्लिक करते हैं अप्लाई पर। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी है सारी जानकारी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर से बता दूँ रजिस्ट्रेशन में कुछ भी चेंजेस होते हैं मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी भी उपलब्ध है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको जो है बदल सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ यानी फॉर्म भरने के बाद उसमें बदलाव करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड है करेक्शन का पीरियड है उसी पीरियड पर करना पड़ेगा, उसमें जो करेक्शन के चार्ज है वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी आ चुकी है। यहाँ पे आपको सेंटर डालना है, 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, एक ही रीजन के होने चाहिए। तो मैं जैसे सेंटर रीजन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने पहला सेंटर जो है आगरा ले लिया है, दूसरा मैंने पटना ले लिया, तीसरा मैंने लखनऊ ले लिया। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सेंटर जो है लेना चाहते हैं। 3 सेंटर लेने वाले यहाँ पे पूछ रहा है आपको जो परीक्षा का मीडियम है वो कौन सा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपका पूछा आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा मीडियम आपने लिया है। यहाँ पे पूछा है टाइपिंग टेस्ट आप किस में देना चाहते हैं, तो मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है। आगे बढ़े पूछेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि आपका 12th जो स्टैंडर्ड है उसमें आपका साइंस स्ट्रीम और साथ में मैथ है, अगर आपका ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है कि एक्स सर्विसमैन तो नहीं है आपका, अगर आपका किसी में भी यस है तो यहाँ पे कीजिए, नहीं तो आप सिंपली जो है नो करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका फिजिकल लेमिनेशन वगैरह कुछ है, अगर आपका लिमिटेशन वगैरह तो आप जो यहाँ पे दे सकते हैं,
कोई आपका आधार कोई रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको उम्र में छूट तो नहीं चाहिए, जो भी ओबीसी वगैरह एससी एसटी कैंडिडेट अगर उनको उम्र में छूट चाहिए तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, तभी उनको उम्र में छूट मिलेगी। यहाँ पे पूछा आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है। जैसे मेरी बीकॉम है तो मैंने यहाँ पे जो बीकॉम जो है डाल दिया। आपकी जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपकी 10+2 है तो सिंपली आप जो यहाँ पे 10+2 जो है कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो पूछ रहा है कि जिसमें जो पोस्ट है उसमें सिर्फ जो है 12th स्टैंडर्ड ही मांगा, तो यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 12th का डिटेल देना है, यहाँ पे आपको 12th का डिटेल देना है। 12th आप पास आउट है कि अपीयरिंग है, पास आउट है तो पास डाल देना है। कब आपने जो है 12th जो है पास आउट किया है, आपको जो है पासिंग ईयर जो है यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देता हूँ। किस जो है बोर्ड से पास किया, यानी किस स्टेट से पास किया, स्टेट का नाम डाल देना है। बोर्ड का नाम डाल देते हैं, जैसे मेरा जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड था मैंने डाल दिया। अगर आपको बोर्ड यहाँ पे नहीं दिखता तो अदर का भी ऑप्शन है, तो आप अदर जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपना जो रोल नंबर डाल देना है, परसेंटेज जो है वो डाल देना है। अगर CGPA में तो CGPA आप दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पूछा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन DOP द्वारा शेयर की जा सकती है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर आपको ऐतराज है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो बता दें यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर लगाना है। बता दें जो भी आप फोटो लगाएंगे उसमें जो है आपको कोई कैप वगैरह नहीं होना चाहिए। किस तरीके की फोटो लगाएंगे इसका सैंपल भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फोटो जो है 9 फरवरी 2023 के बाद की होनी चाहिए। फोटो में नाम और डेट लिखना भी जो है जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप जो उसमें जरूरी नहीं है, अगर आप जो उसमें दिया हुआ है, अगर आप नोटिफिकेशन में पेज नंबर 43 पे जाएंगे, मैं बता दूँ पेज नंबर माफ कीजिएगा पेज नंबर 49 पे जाना है। यहाँ पे फोटो का सैंपल जो है दिया हुआ है SSC ने, किस तरह की फोटो आप लगाएंगे जिसमें फोटो का बैकग्राउंड जो है लाइट होना चाहिए या तो वाइट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए, साथ ही साथ जो आप जो फेस हो बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर आप फोटो लगाएंगे धुंधली या टू लार्ज फोटो लगाएंगे, फोटो पे साइड पोज लगाएंगे, फोटो अगर ब्लड वगैरह की अगर फोटो लगाएंगे तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं उल्टी फोटो है, धुंधली फोटो है, या सनग्लासेस के साथ फोटो है, ज़्यादा छोटी फोटो है, साइड पोजेज है, बहुत ही टू डार्क फोटो है, अगर इस टाइप की कुछ भी फोटो अगर आप लगाएंगे तो आपका आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा। आपको बता देते हैं अपनी एक वेबसाइट जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट टूल्स। या दोस्तों इस वेबसाइट की मदद से अगर आपको इस साइजिंग में दिक्कत आती है तो आप अपनी इमेज को जो है रिसाइज कर सकते हैं। इसी साइज की मदद से आप जो JPG से PDF बना सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का टूल्स है। जैसा कि इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट मांगा, इसकी आपको टाइपिंग टेस्ट करना है तो टाइपिंग टेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके। यहाँ पे तमाम तरीके के लेसन है, आसान और कठिन अलग अलग लेसन है, तो आपको जो लेसन पे क्लिक कर देना है। जैसे सपोज कीजिए UP डिस्ट्रिक्ट ने, हमने इस पर क्लिक कर दिया। टेस्ट आप कितनी देर का देना चाहते हैं इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट टेस्ट कर देना है। और जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो टाइपिंग टेस्ट करके अपनी स्पीड जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके गलत होंगे वो आप चाहते जाएंगे, साथ ही साथ जो है आपके जो है स्पीड जो है आपकी जो है यहाँ पे जो है देखेंगे तो आपको जो है दिखती जाएगी। देख सकते हैं हम जो है टाइपिंग जो है कर रहे हैं और थोड़ी बहुत स्पीड जो है ठीक ठाक है हमारी। इस तरह आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है बढ़ा सकते हैं। वापस चलते अपने फॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट फोटो और सिग्नेचर को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज है वो आपका जो है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। अगर साइजिंग में दिक्कत आती है सरकारीदल टूल्स को खुलना है, इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पे जाके आप अपनी जो फोटो सिग्नेचर का साइज है बहुत ही आसानी से उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे टिक करना है और ये जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को एज इट इज डालना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। आपको उसको अच्छी तरीके से चेक करते हुए बिल्कुल नीचे आना है। जैसे आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है एडिट मॉडिफाइड का, दूसरा आपको दे रहा है सबमिट का। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यानी फॉर्म भरते कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी आपको चेंजेस लगता है तो पहले उसको एडिट और मॉडिफाइड करके सही कीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। हमारा सब कुछ सही है, हम उसको सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सबमिट किया यहाँ पे लिख के आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिसीव, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद इसका जो पेमेंट करना रहेगा, पेमेंट करने के लिए यहाँ वाले ऑप्शन पे जाना है। और लेकिन बता दें जो भी SC ST और महिला अभ्यर्थी अप्लाई करने के बाद सीधा प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस नहीं शो कर रहा है तो डबल वेरीफिकेशन ऑफ पेमेंट पे जरूर क्लिक कीजिए, या प्रिंट में आपका पेमेंट डिटेल्स नहीं आ रही तो भी आपको डबल वेरीफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करना है। जो लोग भी किसी साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म भराते हैं वो अपने प्रिंट आउट पे जरूर चेक करें कि उसमें पेमेंट डिटेल्स आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो तुरंत अपना डबल वेरीफिकेशन करें, उसके बाद यहाँ जब प्रिंट निकालेंगे तो आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका पेमेंट आप जो किन किन माध्यम से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का गेटवे खुल जाएगा। आप इसका पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ UPI का ऑप्शन भी है, UPI के माध्यम यानी कि फोन पे, जीपे और
पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा, उसका प्रिंट निकालिए और रख लीजिए, उसके बाद इसकी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका लिंक आपको sarkaririzalt.com और ogrrizalt.com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।